हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज काफी दिनों के बाद में जुट रहा हूँ और आप सभी लोगों के जो भी अलग अलग सवाल हैं जो आप लोग लगातार मुझे कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो पूछ रहे हैं आप लोग सभी सवाल, उन सभी सवालों के जवाब भी मैं आप लोगों के सामने आज देने वाला हूँ। और क्या कारण रहा कि आज जो है कंटिन्यूअसली क्लासेस के बीच में इतना लंबा गैप रहा और उसके बीच में मैंने ना ही किसी प्रकार का कोई कम्युनिटी पोस्ट या कहीं पर भी कुछ विद्यार्थियों को रिप्लाई नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या समस्याएं थी वो सभी चीजें आज अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग धैर्य के साथ में आज का ये वीडियो जरूर सुनिएगा और फिर आप लोगों के लिए जो है इसके अंदर ये भी बता दिया जाएगा कि पुनः क्लास कब शुरू हो रही है और कौन कौन सी भर्तियां जो है वो आ रही है। एलडीसी की कट ऑफ को लेकर के लगातार जो है विद्यार्थी कमेंट्स पूछ जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो उनको भी बता दिया जाएगा और आगामी दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस भर्ती की ओर जो है आपको जाना चाहिए, ये सभी चीजें आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही थी। तो क्लासेस नहीं आने का सबसे पहला रीजन था कि मेरे जो है गले के अंदर और मुंह में फुंसियां हो रही थी, मतलब चाले टाइप की जो है समस्या हो रही थी थोड़ी सी, तो मैं बोल नहीं पा रहा था और दर्द ज्यादा होने के कारण मैंने जो है क्लासेस वगैरह सभी जगह से जो है बंद कर दिया था और पूरी तरह से मैं रेस्ट कर रहा था। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो क्लासेस क्यों नहीं आ रही थी ये आपको बता दिया गया है। अभी भी हाल फिलहाल भी जो है मेरे इस साइड में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन फिर भी अभी आराम है, तो मैंने क्लास लेने का जो है सोच लिया है और आप लोगों की क्लासें पुनः शुरू करने जा रहा हूँ। इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस जो है विज्ञान के अगर अगर अंदर हम देखें तो लगभग हमारी 117 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और हमारी 118 नंबर की क्लास आएगी। उसके बाद में विज्ञान का एनवायरमेंट वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास में मुख्य रूप से दो ही टॉपिक बचेंगे, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी और एक संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में तो विज्ञान तो पूरी ही हो रही है। गणित के अंदर हम जो है 4 यूनिट लगभग पूरी कर चुके हैं। एक केवल 45 नंबर की क्लास आएगी जिसके अंदर ऊंचाई और दूरी की जो सामान्य समस्याएं हैं उनको समझा दूंगा, वो एक ही वीडियो लेकर आऊंगा मैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे का होगा। उसके बाद में आपके त्रिकोणमिति वाली जो यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 45 वीडियो के अंदर हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। गणित के भी 7 यूनिट है, उसमें से 4 हो चुकी है तो 3 ही रही है, और विज्ञान के अंदर भी 2 ही टॉपिक रहे हैं। तो हम बेधड़क आराम से अगर हम पढ़ते हैं तो भी हमारा सिलेबस जो है हम एग्जाम से पहले पूरा कर चुके होंगे। और आप लोगों को जैसा कि कहा गया था कि आपके जून से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि विज्ञान पूरी हो जाए, तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि आज अभी तो जो है 6 जून हुई है, तो अभी अपने पास में जून के लगभग 24 दिन पूरे हैं। और 24 दिन अगर जो है मैं केवल संडे अगर छोड़ दूं, क्योंकि इंसान हूं मुझे भी रेस्ट की जरूरत होती है, तो मुश्किल से 2 या 3 संडे छोड़ देंगे, तो 4 दिन भी छोड़ दूं तो 20 दिन है। और 20 दिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी और संचार प्रौद्योगिकी और जो एक लेक्चर इसका आना है ऑक्सीजन और अवसादी चक्र, वो पूरा हो जाएगा, तो दिक्कत ही नहीं है। जून में ही अपना जो है विज्ञान का सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्लियर। और गणित का भी 3 ही यूनिट रही है, वो भी अपन करवा देंगे। अब बात करते हैं क्लासेस पुनः कब से आ रही है। तो क्लासेस जो है आप लोगों की 7 जून से जो है पुनः आना शुरू हो जाएगी, यानी कि कल से आपकी जो है 8 बजे विज्ञान की क्लास आएगी और 9 बजे आपके गणित की क्लास आएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि विज्ञान की क्लास थोड़ी सी लंबी रखूं ताकि अपना जो है टॉपिक जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए, और फिर गणित की अपन दिन की एक क्लास रखेंगे और एक प्रैक्टिस की क्लास भी लाने वाला हूं मैं आगे आप लोगों के लिए। जो भी प्लानिंग है वो चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ एग्जाम तक मैं जुड़ा रहूंगा, ठीक है। तो क्लासेस पुनः कब से आएगी, 7 जून से आपकी क्लासेस आ जाएगी, बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें, क्लियर। इसके बाद में कौन कौन सी भर्ती आ रही है इसको लेकर के लगातार जो है विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों जो भी भर्तियां आनी है बस ये एक बार जो है आपको पता है कि जो ये उठापटक चल रही है सरकार के अंदर, ये सब एक बार जब निपट जाएगा कार्यक्रम पूरा, तो उसके बाद में जो है आपके सभी चीजें सुचारू हो जाएगी और लगभग आचार संहिता के बाद में आप लोगों के लिए भर्तियां जो है 100% निकलने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा
किस बार जो है राजस्थान के अंदर किस प्रकार के जात जो है राजनीतिक समीकरण बैठे हैं, तो उस वजह से जो है अब सरकार को कार्य करना ही होगा। और दोनों ही तरफ से अगर विपक्ष भी देखें तो वो भी मुद्दे उठाएगा, क्योंकि उन्हें भी अभी ये लालच है कि हम भी अगली बार जो है सरकार में आ सकते हैं। और उस तरफ जो है अगर अभी जो प्रेजेंट सरकार की बात करें तो इनका भी क्या सपना रहेगा कि अगर हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगली बार हमारी सरकार हो सकता है नहीं बने। तो इसलिए दोनों ही अब की बार जो है बहुत ही बेखूबी, मतलब इस बार जो है लोकतंत्र की जो कहते हैं कि रियल डेफिनेशन है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, वो देखने को मिला है। क्योंकि मतलब एकदम से जो है पूरा का पूरा सिस्टम ही हिला करके रख दिया, और जिनको उम्मीद नहीं थी उनको उससे ज्यादा सीटें दे दी, जिनको उम्मीद थी उनको जो है कम सीटें दे करके, मतलब एक अलग ही लोकतंत्र की विशेषता देखने को मिली है। और विपक्ष भी इस बार मजबूत है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो पक्ष भी मजबूत है, मतलब दोनों ही अपने आप में मजबूत है। तो अब मन चाहे ढंग से जो है कुछ भी कार्य होगा नहीं, और दोनों ही तरफ से लगातार जब एक दूसरे का विरोध किया जाएगा तभी तो जो है जनता के लिए कुछ ना कुछ नया कार्य किया जाएगा। अगर पक्ष कुछ गलत कर रहा होगा तो विपक्ष अब जो है मजबूत है और वो आवाज उठाएगा, और अगर विपक्ष जो है अगर मतलब कुछ गलत कार्य कर रहा होगा तो पक्ष इस बार जो है अच्छा है, इसलिए वो भी जो है अपनी तरफ से डिमांड रखेगा। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, और बहुत सारे सिस्टम जो है अब चेंज हो सकते हैं, कई सारी चीजें नई आपको देखने को मिलेगी। और राजस्थान के अंदर तो लगातार चल ही रहा है, वैसे भी अभी डेपुटेशंस भी जो है बंद किए गए हैं, तो उस वजह से कई जो पद खाली थे वो भी भरने की तैयारियों में है। और लगातार जो हमारे अब की बार बोर्ड के जो अध्यक्ष है माननीय आलोक राज जी, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है, और बहुत ही मतलब लगातार कार्य में उलझे हुए हैं, वो लगातार कार्य को करते जा रहे हैं, लगातार विद्यार्थियों के लिए जो उनकी तरफ से हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे छात्रावास अधीक्षक वगैरह की जो 15 गुना की लिस्ट है वो निकल चुकी है, और एलडीसी की भी जो है हो सकता है कि ये वीडियो आने से पहले आज यानी 6 जून को पहले ही आ जावे, क्योंकि ये वीडियो तो आप लोग अभी देख रहे हैं, और हो सकता है 7 जून को जो है ये आ जाए। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके पास में अब 10 जून तक जो है ये सब डिक्लेरेशन हो जाएगा आपका एलडीसी का भी 15 गुना का। और भर्तियां कौन कौन सी आएगी, तो देखिए भर्तियां जो है आपके शिक्षा विभाग के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आपके लैब असिस्टेंट की भी भर्ती की जो है घोषणा हो सकती है, क्योंकि 1000 से ज्यादा पद खाली है, तो हो सकता है कि 700-800 पदों पर जो है भर्ती निकाली जाए, है ना। इसके अलावा जो आपके अलग अलग विभागों में जैसे पटवारी की भर्ती जो है वो आना सुनिश्चित हो चुका है, तो आप पटवारी की तैयारी कर सकते हैं, है ना। और आगे भी और भी बहुत सारी सूचना सहायक वगैरह की भर्तियां भी आना फिक्स है। तो एक बार जब ये आचार संहिता हट जाए तो उसके बाद में आप लोगों को मैं डिक्लेयर कर पाऊंगा और क्लियर रूप से कह पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई जो है भर्तियां निकालने वाला तो हूं नहीं कि मैं आपको अभी बता दूं कि ये भर्तियां आ रही है। और जो ये कई प्रकार के वीडियोस आप लोग मुझे शेयर कर रहे हैं कि सर इन्होंने कहा कि आई कि देखो वो अब है ना कोई व्यूज के लिए झूठ बोल रहा हो कि हाँ ये भर्ती निकलने वाली है, इतने पदों पे ये होने वाला है वो होने वाला है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता। अब लैब असिस्टेंट की भर्ती को मैंने स्पष्ट कह दिया है कि सीईटी के अंदर तो नहीं है, है ना। और आगे जो है इसकी घोषणा हो सकती है क्योंकि 1000 से ज्यादा पद खाली है, लेकिन ये नहीं है कि अभी तक जो है देखिए अभी बजट भी आएगा और बहुत सारी चीजें नहीं अभी जो है देखिए आ सकती है आगे, तो हम जो है इसके बारे में अभी क्लियरेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप जो है अपनी बस पढ़ाई जारी रखिए, है ना। कट ऑफ को लेकर बताई दिया है आपका जो है 7-8 जून 10 जून तक जो है ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सीईटी की जो कट ऑफ है वो आ जाएगी। इसके बाद आगामी दिनों की सर हम रणनीति क्या रखें, तो आगामी दिनों की रणनीति आप ये रख सकते हैं कि आप जो है अपने सीईटी की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आगे आने वाली भर्तियां लगभग जो है सभी सीईटी के अंदर इंक्लूड हो सकती है। इसलिए आप सीईटी की दबा करके तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें। जब आप सीईटी की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होगी, और जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि आरएएस की भी जो है नई भर्ती निकल सकती है, तो जब आरएएस की नई भर्ती आएगी इसमें क्या है सीईटी का जो सिलेबस है वो का वो आरएएस का सिलेबस है, तो आप आरएएस पर ही दे सकते हैं। आप आरएएस के लिए मेहनत करिए, क्यों आप हमेशा जो है यही सोचे कि नहीं हम लैब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे या हम एलडीसी की तैयारी करेंगे। अगर आप अभी इसमें एलिजिबल है तो आप उसकी करिए, नहीं तो आप जो है आगे सोचिए, बड़ा सपना भी तो देख सकते हैं हम, है ना। तो आप पढ़ाई जारी रखिए, सीईटी की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। मेरा अभी सभी जो भी 12th पास कर रहा है उनको भी यही सजेशन है, अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो सीईटी की दबा करके तैयारी करो, सीईटी में जितना अच्छा स्कोर कर सको उतना अच्छा स्कोर करिए, ताकि आपकी हर एक सब्जेक्ट अच्छी हो जाएगी। और फिर आगे आप पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप निकल सकते हैं, ग्राम सेवक की आएगी तो निकल जाओगे, कॉन्स्टेबल की आएगी निकल जाओगे, एसआई की आएगी निकल जाओगे, आरएएस की आएगी तो परी निकाल ले जाओगे, फिर आप मेंस में तैयारी करिए। इसके अलावा एएन जेएन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड
सभी में जो है ये सभी सीईटी के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनको जो है तैयारी करिए। इसके अलावा अगर आप हाँ फिक्स कर चुके हैं तो आप फिर बेझिझक जो है उसका सिलेबस निकालिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अब अलग अलग भर्तियों को लेकर के मैं जो है आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस क्या है उनका और जो है आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं, रिसोर्सेज को लेकर के एक अलग अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जो जो भर्तियों की संभावना है उन सभी के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जो है आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और बार बार मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर जो है मेरे चैनल पर हो, चाहे आप अलग 10-12 चैनल और भी आप फॉलो करते ही होंगे, वहां भी आप बार बार अगर ये कमेंट करते हैं कि भर्ती कब आएगी भर्ती कब आएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय जो है आपका शांति काल का समय है। इस समय के अंदर जो है आप उपयोग करिए समय का और अपनी जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। भर्ती तो देखो जब आनी है तब ही आएगी। अगर मैं ये कह दूं कि कल आने वाली है और कल आ गई, तो क्या आप तैयार हैं उस भर्ती के लिए? आप लैब असिस्टेंट के लिए लगातार पूछ रहे हैं, क्या आप लैब असिस्टेंट का सिलेबस पूरा कर चुके हैं? क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी राजस्थान का जीके ज्योग्राफी सब कुछ तैयार है आपका? साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ तैयार है क्या? आप आज अगर एग्जाम देते हैं मान लीजिए, तो क्या आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं? क्या आप कट ऑफ से ऊपर आज भी अगर 50-60 नंबर ला पा रहे हैं ऑफिशियल पेपर में बिना देखे? अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आपकी तैयारी कमजोर है। तो आप पहले तो अपनी तैयारी को मजबूत करिए, उसके बाद वैकेंसी का इंतजार किया जाता है। आप आईएएस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को देखिए, आरएएस की तैयारी करने वालों को देखिए, वो लगातार पढ़ते रहते हैं 12 महीने तक, तो कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं। वैकेंसी कब आई कब गई उनको उससे मतलब नहीं है, उनको तो क्या है बस फॉर्म फिल किया है तो अब इस एग्जाम को क्रैक करके रहना है। तो आप भी जो है लगातार पढ़ते रहिए और वैकेंसी तो आएगी। देखिए कोई भी सरकार रही हो, वैकेंसियां लगातार निकलती है और निकलेगी ही। इसमें कोई जो है ये नहीं है कि ये नहीं आएगी या वो नहीं होगा। कोई भी भर्ती हो, अगर जो है मान लीजिए एलडीसी की बात करें तो एलडीसी की भर्ती आ ही गई है, एग्जाम डेट तक आपके सामने है, तो फिर आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आप 15 गुना का वेट कर रहे हैं। अरे भाई 15 गुना का वेट कब तक करोगे? मान लो 15 गुना में आपका नाम आ गया तो फिर क्या कर लोगे आप अगर तैयारी नहीं हुई तो? और मान लो 15 गुना में नहीं आया तो सीईटी में तो आपके काम आएगा, इस वाले सीईटी में दे देना आप एग्जाम, तो इस सीईटी में अच्छा नंबर लाओगे तो अगली वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो तैयारी तो करिए भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए है ना। और कल से आपकी क्लासेस पुनः आ रही है, तो आप अपनी सभी भाइयों और बहनों को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे।